सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। और अभी सबको पता होगा कि वीटेक के जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और जो कि सेवन्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, यानी कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उन सभी का भी एग्जाम होने वाला। तो भाई, इस बार के कमेंट ये आ रहा है कि भाई एग्जाम में पास कैसे किया जाए, अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं किया है। और बात ऐसा है कि पढ़ाई नहीं किया है और एग्ज़ाम अभी पास आ चुका है, तो कैसे करें पढ़ाई जिससे कि एग्ज़ाम हम पास हो जाए। और देखिए, मैं सीधा सीधा ये बात करूँ कि बिन पढ़े तो आपका कोई बेड़ा पार नहीं लगा सकता, आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इस बार का जो सिनेरियो है ना, वो ऐसा सिनेरियो है कि आप चीट वगैरह भी नहीं कर सकते हो, आप चीट वगैरह भी नहीं कर सकते हो, एग्ज़ाम भी पास करना हो, पढ़ाई भी नहीं की हो, तो भाई कैसे करोगे। तो इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको ध्यान में रखते हुए आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। कैसे करोगे अभी मैं बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे भी आपको सारे चीज़ जो भी अपडेट है, जो भी आपके पास गाइडेंस है, वो आपको पास पहुंचते रहेगी। बस वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि क्वेश्चन आपके पास है कि हाउ टू पास सेमेस्टर एग्जाम। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है कि आप लोगों का ऐसा क्वेश्चन है। और देखिए, इसके पास मेरा आंसर है जो कि 5 पॉइंट में मैं देने वाला हूँ। और लिख के रख लो कि 5 पॉइंट अगर आप कर लोगे तो लिटरली मैं बता रहा हूँ कि आप बिना पढ़े भी एग्जाम पास कर सकते हो। बिना पढ़े इन द सेंस कि मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ही कॉपी पेन मत उठाओ। कॉपी पेन उठाओगे लेकिन लास्ट टाइम पे उठाओगे, मात्र 1 से 2 दिन भी आप किसी पेपर को पढ़ोगे तो आप इजीली पास हो जाओगे। कैसे पास करोगे अभी चलिए बात करते हैं। देखिए, नंबर वन है कि आपका सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस क्या में क्या क्या पढ़ना है ये क्लियर होना चाहिए। वो कैसे करोगे भाई? तो सिलेबस पहले आप प्रिंट आउट में निकालो। सिलेबस को आप जो है कि अब इतना टाइम नहीं है कि पूरा फुल सिलेबस आप कवर करने बैठे हो, पहले ये गलती को सिलेबस निकालो, पूरा कवर करने बैठे। उतना अपने पास टाइम नहीं है कि पूरा टाइम निकाल के अपन सिलेबस कवर करेगा, ऐसा बिल्कुल टाइम नहीं है। तो कैसे करेगा? तो सिलेबस को कवर नहीं करना है तो बट हाउ फिर बाउट बट हाउ मतलब पूरा सिलेबस को कवर नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम कैसे देंगे? तो ये तो समझने वाली बात है कि मैं पूरा सिलेबस कवर किए कैसे करना है। तो देखिए, सिलेबस आपको कवर नहीं करना, आपको कवर करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और वो आएंगे फिर कैसे पता करेगा? तो इसको पता करने के लिए आपको करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर सॉल्व। अब प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है तो पहला पॉइंट मैंने ये लिखा है कि प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन करना है। एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ कि 3 साल का प्रीवियस ईयर एटलीस्ट आपको करना है। कैसे करोगे? तो सिंपल प्रीवियस ईयर डाउनलोड करो, प्रीवियस ईयर डाउनलोड करो। आपको नहीं आता है प्रीवियस ईयर सॉल्व करना, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल का प्रीवियस ईयर निकालो और 3ों साल का प्रीवियस ईयर आप पढ़ो, बस केवल और केवल उसको पढ़ो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार सिलेबस में जो भी लिखा है उसको छोड़ करके 3 बार कम से कम 3 साल का प्रीवियस ईयर आप पढ़ो, केवल पढ़ो। उससे पढ़ने के आपके तरीके, जो सोचने के जो डेवलप्ड आपके पास अंदर में जो थॉट बनेंगे, वो आपको क्लियर ये कर देगा कि मेरे को क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ये प्रीवियस ईयर से बेहतर और कोई समझा नहीं सकता है। आपको कोई आगे बोल देगा ना ये टॉपिक पूछा जाता है, ये टॉपिक नहीं पूछा जाता, बिल्कुल विश्वास मत करो। आप बस प्रीवियस ईयर को सॉल्व करो और फिर देखो आपको कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ, ये जरूरी था, ये करना था, ये छोड़ना था, ये करना था, ये बस प्रीवियस ईयर ही बता सकता है आपको। तो प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 3 साल का आप निकालो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक ना। उसके बाद 3 साल का प्रीवियस ईयर निकाल के एटलीस्ट 3 बार उसको पढ़ो, फिर उसको सॉल्व करो। तो इतना कर लोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंट मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब देखिए, उसके बाद से आंसर देखिए। अब प्रीवियस ईयर आपने सॉल्व कर लिया, पूरा सिलेबस को कवर नहीं किया मैंने, प्रीवियस ईयर एटलीस्ट कर लिया। अब जैसे कि प्रीवियस ईयर आपने सॉल्व कराया तो उस टाइम पे आपके माइंड में 4 क्वेश्चन डिराइव हो रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। दूसरा, आपके पास प्रीवियस ईयर का एक सॉल्यूशन बन जाएगा। एंड तीसरा, अपने को माइंड में एक चौथा डेवलपमेंट आने लगेगा कि अब सिलेबस को देखोगे तो आपको लगने लगेगा कि ये जरूरी है करना। अब आप सिलेबस वापस से निकालो, अब वापस से आप सिलेबस निकालो और वहाँ पर अंडरलाइन करो कौन कौन सा टॉपिक को पूछा गया था, कौन कौन सा टॉपिक में जिस प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, उस सिलेबस को आपको कवर करना है, उस सिलेबस को केवल करना है। पूरा सिलेबस अपने को कवर नहीं करना। अब जो प्रीवियस ईयर में मिला है मेरे को इंपॉर्टेंट टॉपिक, उस प्रीवियस के सॉल्यूशन पे आपको बात करना ही है। उसके बाद से अब उस सिलेबस में जो जो प्रीवियस ईयर पूछा गया था उस टॉपिक को हाईलाइट किया और उस सिलेबस के अब उस पॉइंट पे आपको पर्टिकुलर बात करना है। तो सिलेबस में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये मैंने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, ये फाइंड आउट कर लिया, प्रीवियस ईयर से सॉल्यूशन भी कर लिया। ये 3 साल का करने से आपको एटलीस्ट अंदाजा लग जाएगा। एंड उसके बाद से देखिए, अब काफी सारे लोग प्रीवियस ईयर कर लिए, सब कुछ कर लिए, भाई अब क्वेश्चन कैसे राइट करना है एग्जाम में, क्वेश्चन आंसर कैसे देना, ये भी जरूरी है। क्योंकि मेरे को मान लीजिए कि आता तो सब कुछ है लेकिन आप चीजों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे एग्जाम में तो फिर उसका कोई मतलब बनेगा नहीं और आपको अच्छा नंबर नहीं आ पाएगा। तो आपको लिखने के भी एक हैबिट बनानी होगी। तो लिखने की हैबिट कैसे बनाओगे? तो जो
ये 3 साल का प्रीवियस ईयर आपने करा है इसके बेसिस पे आपको ने को सिलेबस उठानी है और सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको खुद से क्वेश्चन बनाओ या असाइनमेंट। सबसे बेहतर है कि आप असाइनमेंट ही पत कर लो, ठीक ना। अपने कॉलेज में जो है ना मिड सेमेस्टर हुआ होगा उसका भी आपके पास क्वेश्चन होंगे, असाइनमेंट करवाए होंगे टीचर लोग, वो भी क्वेश्चन होंगे, उन सबों को बैठ के सॉल्व कर लो, बैठ के सॉल्व कर लो, अच्छे से कर लो और एक स्किल डेवलप करो कि कैसे क्वेश्चन को लिखना है, क्या क्या पॉइंट लिखना है। कभी कभी एग्जाम में थ्योरी आते हैं तो थ्योरी को कैसे कैसे की पॉइंट है क्या क्या उसको नोट डाउन करो, ठीक ना। क्या क्या हमको हेडलाइन देना है वो हेडलाइन नोट डाउन करो। फिर अगर न्यूमेरिकल पेपर है तो न्यूमेरिकल में देखो कि कौन कौन से न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस न्यूमेरिकल को किस फॉर्मूला से बनाना है, किस न्यूमेरिकल को कितना किस मेथड से बनाना है, ये सब फाइंड आउट करो। ये सब करने के बाद से आपको एक अच्छे से अपना थॉट डेवलप करो कि मेरे को एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे तो इस क्वेश्चन को करने के लिए किस किस प्रोसेस से हमको गुजरना होगा। ये सब चीज़ें आएंगी आपको आंसर राइटिंग स्किल के अंदर, ये सब आप आंसर राइटिंग के स्किल में आपको अच्छे से आ जाएगा तो बिल्कुल आपका अच्छा मार्क्स आएगा। एंड चौथा बात की मल्टीपल टाइम रिविजन करो। अब देखो, अब जो जो मैंने सिलेबस में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अंडरलाइन करवाए थे, जो प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाए थे, इसके बेसिस पर मेरे को सिलेबस में एक अच्छे लेवल का पॉइंट हाईलाइट मिल गया कि ये जरूरी ये करना है, उस पॉइंट को आप बार बार मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज करो। इसको क्या करो, मल्टीपल टाइम आप लोग इसको रिवीजन करो अच्छे से लेवल रिवीजन करो। या अभी तक देखो जो भी लोग भी पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, 10% 20% 25% 30% 40% तो पढ़ा ही होगा आपने, पूरे तो नहीं पढ़ा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा वो, और प्रीवियस ईयर कर रहा जो अंडरलाइन करवाया अभी सिलेबस में वो सब चीज़ को बार बार रिवाइज करो। तो ये मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करना है। इतना करने के बाद से आप बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं कि एग्जाम में जो कुछ भी आएगा ना आपको पता है कि ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरीके से मेरे को सॉल्व करना, ये सब अपने को कन्फर्म आ जाएगा, एकदम कॉन्फिडेंट आ जाएगा। आप कुछ भी एग्जाम में पूछेगा ना मैं लिख के देता हूँ कि आप कॉन्फिडेंटली उस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। कैसे दे पाओगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन दे पाओगे क्योंकि प्रीवियस ईयर आपने सॉल्व करा, अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा है, अपने सिलेबस को कवर कर रहा है कि कैसे कैसे की पॉइंट है, वो उतना कर लोगे तो फिर आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा एग्जाम में। आप लिखने का आइडिया पता है और लिखने के स्किल अपने को पता है तो आप लिख जाओगे बिल्कुल, और लिख जाओगे तो फिर पास हो ही जाओगे। अब लिखिए, लेकिन सबसे बड़ की गलती लोग ये करते हैं जो पांचवा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है। देखिए कुछ लोग ना इतना करने के बाद से भी घबरा जाते हैं, घबरा जाते हैं, वो मतलब सोचते हैं कि नहीं हो पाएगा, किसी को कॉल कर पूछते भाई ये चैप्टर किया क्या तूने, भेज दो ना इस चैप्टर का सोल्यूशन, भाई ये असाइनमेंट किया क्या इसका भेज दो, भाई प्रीवियस ईयर करा का ये भेज दो, ये दूसरे से मांगना छोड़ दो, ये सब जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है आपका और बस आपको गुमराह कर रहे हो, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। एकदम फोकस्ड रहना है, मेरे को एग्जाम है, मेरे को ये पेपर करना है, ऐसे करना वैसे करना, डिस्ट्रैक्ट मत हो, फोकस्ड रहा करो और ये तभी कर पाओगे जब आप पेशेंस रखोगे। पेशेंस के साथ साथ देखो कुछ लोग क्या करते हैं, अवॉइड एक्स्ट्रा एक्टिविटी मैंने इसलिए लिखे हैं, ठीक ना। देखिए कुछ लोग क्या आते हैं एग्जाम में ना काफ़ी जल्दी मतलब सोचते हैं कि माइंड रिफ्रेश करते हैं, चलो आज बाहर से घूम के आते हैं, चाय पी के आते हैं, दोस्त लोग हैं उसके साथ घूमने लगते हैं, ये सब अब छोड़ दो, अब वो कर लेंगे भाई अगले दिन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं एग्जाम बात कर लेंगे। तो जब भी एग्जाम आ जाए तो ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप लोग कर रहे हो थोड़ा सा रेसिस्ट करो अपने आप को, थोड़ा सा पंचुअल बनाओ, थोड़ा सा आप जो है कि जो एक्स्ट्रा कर रहे थे दोस्तों के साथ बाहर घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे, बैट बॉल खेल रहे थे, ये सब थोड़ा छोड़ो, थोड़ा सा अपने को एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो कर रहे हैं उसको थोड़ा सा देर के लिए शट डाउन कर दो, उसको बंद करो, थोड़ा एग्जाम खत्म हो जाएगा फिन कर लेना कोई तकलीफ नहीं, तो ये सब करना बंद करो। तो मैंने जो 5 इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हैं इतना को फॉलो करके आप एग्जाम को पास कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो, इतना कर लो बिंदास मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम पास कर जाओगे। इसके सिवाय मैं एक चीज़ और बताता हूँ लास्ट में जो मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ। देखिए ये जो है मेरा नोट्स है खुद का, ठीक है। अब जो लोग कुछ लोग ये बोलते हैं कि मेरे को नोट्स नहीं बनाने आता है, मेरे को नोट्स नहीं है, मेरे को प्रीवियस ईयर नहीं है, तो कैसे करें, तो सिंपल सी बात है कि आप नोट्स किसी दूसरे का भी प्रेफरेंस ले सकते हो, किसी दूसरे यार दोस्त या फ्रेंड सर्कल में जो लोग भी नोट्स बनाते हैं उनका नोट्स ले लो, उनका थोड़ा सा पैसा वगैरह खर्च करो, उनका नोट्स ले करके आप जो है कि प्रिंट आउट करा लो, सबसे बढ़िया। जैसे कि ये देख सकते हो नोट्स, मेरा ये खुद का नोट्स है लेकिन ये पेपर का मैंने नोट्स आपको मैंने कि ऑनलाइन बना रखा है, ठीक ना। ये देखो मैंने इसको प्रिंट आउट करा रखा है, देखो बिल्कुल, ये मैंने एक भी दिन लिख के नहीं रखा है, एक भी दिन मैंने कॉपी पेन पे लिखा नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर डिजिटल जमाना है तो फिर चीज़ों को उस तरीके से कर लिया जाए। देखो मैंने प्रिंट आउट इसको कराया, ये अपना नोट्स है प्रिंट आउट कराया, मैंने सारा चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट, देखो जो जो मैं पढ़ता जाता हूँ हाईलाइट करता जाता हूँ, जो जो पॉइंट मेरे को अच्छे लगते हैं उसको हाईलाइट, देखो हाईलाइट कर दिया इतना अच्छा से, इसमें भी देखो सारे पेज में देखोगे तो मैंने हाईलाइट कर रखे, और देखो इधर मैंने असाइनमेंट भी सॉल्व करा है,
तो असाइनमेंट भी अपने को सॉल्व मिल जा रहा है यहाँ पे इतना सब, ये सब नोट्स में ना कि आप जब से एग्जाम पड़ेगा, ये देखो मैंने पूरा हाईलाइट कर रखा है, जैसे ही आपका एग्जाम पड़ेगा तो एग्जाम टाइम पे बस चीज़ों को रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, आप बेहतर अच्छे परफॉर्म कर पाओगे। तो डिजिटली जब आना है, आप चाहो तो नोट्स ऑनलाइन भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे, तो देखो गूगल पे सर्च करो जो टॉपिक आपका, उसका नोट्स मिल जाएगा आपको, नोट्स को आप कॉपी पेस्ट करके एक अपना नोट्स बना लो और वहाँ से आप प्रिंट आउट करा कर उसको रिवाइज कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। मैं तो यही किया हूँ इस सेमेस्टर में, बाकी पिछला सेमेस्टर तक मैं नोट्स बनाता था, बट इस सेमेस्टर में मैंने लगा कि इस बार कुछ एक्स्ट्रा करते हैं नोट्स के रिगार्डिंग, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया। आप इसको चाहो तो ट्राई कर सकते हो, या जो मैंने अभी किसी दूसरे का नोट्स वगैरह प्रेफरेंस के लिए बोला वो कर सकते हो। तो जैसे भी करना है करके अपने को रेडी रखना, जो टिप्स मैंने बताया वो फॉलो कर लो, 110% आप एग्जाम पास हो, डरने की कोई बात नहीं है। बाकी इस ये तरीका से और भी टिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस टिप से काफ़ी लोगों को हेल्प हो सकती है, तो इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुँचा दो। बाकी आज के लिए इतना रखते, चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।